यस, टेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर बुक, इंग्लिश रीडर बुक ऑफ पेज नंबर 25, पेज नंबर 25. अर्जुन फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट, अर्जुन फ्रेंड्स ऑफ द फॉरेस्ट. ओके, टुडे वी विल डिस्कस दिस स्टोरी, टुडे वी विल डिस्कस दिस चैप्टर. ओके, तो ये आपको इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट में अर्जुन के कौन कौन फ्रेंड थे. पांडव का नाम आप लोगों ने सुना है ना, सभी लोगों ने पांडव का नाम सुना है? यस मैम. यस मैम. नो मैम. पांडव कितने थे? पांच. पांडव कितने थे नंबर में? पांच. वेरी गुड, वेरी गुड. यस, सबसे बड़े वाले का नाम, सबसे बड़े भाई का नाम क्या था पांडवों में? अर्जुन था. क्या था? किसी को नहीं पता. युधिष्ठिर. क्या नाम था? युधिष्ठिर. युधिष्ठिर था, सबसे बड़े वाले का नाम युधिष्ठिर था. उनसे जो छोटे थे उनका नाम भीम था, उनसे जो छोटे थे उनका नाम अर्जुन था. उसके बाद चौथे नंबर पर नकुल थे और पांचवे नंबर पर सहदेव थे. तो अर्जुन जो थे वो तीसरे नंबर के भाई थे. आज हम लोग अर्जुन के बारे में एक स्टोरी को जानेंगे, जो कि जब वो फॉरेस्ट में थे तो उनके साथ क्या हुआ, कौन उनका फ्रेंड था. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. अर्जुन द बेस्ट वॉरियर अमंग द पांडवास वॉज लुकिंग फॉर सम पीस एंड क्वाइट. अर्जुन जो कि पांडव भाइयों में जो सबसे बेस्ट वॉरियर थे, सबसे अच्छे वॉरियर जो थे, वो जो थे कुछ शांति, सुकून और शांति वाला जगह ढूंढ रहे थे फॉरेस्ट में कहीं पर. There was too many of us in the places. It's so peaceful here in the forest. I can be alone and think. If only those mosquitoes were leave me alone. एक जगह उनको दिखा और वो क्या सोचे कि चलो यहाँ पर जाकर के हम शांति से बैठ करके कुछ सोच सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ सुकून भरा पल ले सकते हैं. लेकिन अगर ये मच्छर मुझे अकेला छोड़ दे तो मतलब उनको जो मच्छर थे, जितने मॉस्क्यूटोज थे उस फॉरेस्ट में, वो परेशान कर रहे थे. इन एडिशन टू हिज 100 कौरवर्स कजन ही हैड 4 ब्रदर हु वेयर रफ एंड टफ. उनके और भी एक कजन ब्रदर थे जिनको कौरव कहा जाता था. कौरव जो थे वो नंबर में 100 थे और पांडव जो थे वो नंबर में 5 थे. जो कि पांडव जो थे वो बिल्कुल भी रफ एंड टफ थे, कोमल नहीं थे. किसी भी तरह की कंडीशन सिचुएशन को ये लोग झेल लेते थे. आई विल ब्रेक ऑफ दैट ब्रांच एंड यूज इट टू ड्रिवन देम अवे. तभी उस मॉस्किटो के बारे में सोचते हुए वो बोले कि अगर इन मॉस्किटो से मुझे छुटकारा चाहिए तो सामने एक पेड़ पे एक ब्रांच उनको दिख रहा था. वो बोले कि हम इस पेड़ के इस ब्रांच को तोड़ लेते हैं और इससे हम इस तरह से घुमा घुमा के मच्छरों को भगा देंगे. जब मच्छर भाग जाएंगे तो मैं इस प्लेस पर शांति से बैठ करके, सुकून से बैठ करके थोड़ी देर आराम कर सकूंगा, कुछ सोच सकूंगा. बट डोंट ब्रेक दिस ब्रांच ब्रदर, इट सपोर्ट्स माय नेस्ट. नेस्ट वेयर? लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, उन्होंने ये बोला कि मैं इस ब्रांच को तोड़ लेता हूँ, उसी समय वहां पे उस ब्रांच पर एक बर्ड बैठी हुई थी. वो क्या बोली, नहीं नहीं प्लीज ओ डियर ब्रदर, प्लीज डू नॉट ब्रेक माई ब्रांच. इस ब्रांच को मत तोड़ो, इसलिए क्योंकि ये ब्रांच जो है वो मेरे घोंसले को सपोर्ट दे रहा है. अगर ये ब्रांच टूट गया तो मेरा घोंसला भी टूट जाएगा. तो फिर अर्जुन जो था वो बर्ड से पूछता है, नेस्ट कहाँ है तुम्हारा नेस्ट? ओ देयर इट इज, आई कैन सी नाउ, इट शेल्टर माई थ्री लिटिल वंस. जब ये पूछे कि कहाँ है तुम्हारा नेस्ट तो बर्ड उनको दिखाती है. तो फिर ये बोलते, अच्छा अच्छा मुझे दिखा कहाँ है तुम्हारा नेस्ट. सभी चिड़िया क्या बोलती है, हाँ प्लीज आप इस ब्रांच को मत तोड़ो, नहीं तो मेरा घर भी टूट जाएगा और मेरे घर में इस नेस्ट में तीन छोटे छोटे बच्चे रहते हैं.
तो मेरे घर को तुम प्लीज मत तोड़ो. डोंट वरी, यू एंड योर लिटिल वंस आर सेफ. आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ हर्टिंग यू. थैंक यू. समडे आई विल रिटर्न द फेवर. तभी अर्जुन क्या बोलते हैं उसके नेस्ट को देख करके, चिड़िया के नेस्ट को देख के, डोंट वरी डोंट वरी, मैं तुम्हारा नेस्ट नहीं तोड़ूंगा. मेरा ऐसा कोई सपना नहीं है कि मैं तुम्हें, तुम जैसों को चोट पहुंचाऊं या नुकसान पहुंचाऊं. ये सुन के चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू. अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगी, मैं तुम्हारा जरूर फेवर करूंगी इसके बदले. हाँ, यहाँ तक स्टोरी समझ में आई सभी को? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. आपका फोटो नहीं आ रहा. यस मैम, आपका फोटो नहीं आ रहा. बेटा हम तो वीडियो ऑन रखे हैं, फिर मेरा फोटो कैसे नहीं आ रहा है? मुझे तो आप लोग सब दिख रहे हो और मैं भी दिख रही हूँ. मैम फिर चला गया आपका फोटो. देखिए कुछ नेटवर्क एरर हो रहा है, उसके वजह से ऐसा हो रहा है. आप लोगों का भी फोटो आ रहा है और चला जा रहा है, कुछ नेटवर्क एरर के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है बेटा, स्कूल में सभी जगह पर नेटवर्क अच्छा काम नहीं कर रहा है, समझे? तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. बीच बीच में आप लोगों का भी फोटो आके चला जा रहा है, तो उसके लिए वरी मत होइए. अगर फोटो आ रहा है तो भी, नहीं आ रहा है तो भी, आपको पढ़ाई करनी है ना बेटा. आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए. पढ़ाई में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए. आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? यस मैम. यस. यस मैम. ओके, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए. फोटोज बेटा, वीडियोज आप लोग के भी बीच बीच में ऑफ हो जा रहे हैं, नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो रहा है. चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं. अर्जुन रीच्ड फॉर अ ब्रांच ऑन अनदर ट्री. अर्जुन उस ब्रांच को, उस ट्री के ब्रांच को छोड़ करके दूसरे ब्रांच के तरफ चला गया. बट हेजिटेटेड व्हेन ही सॉ द बॉल ऑफ लीव्स देयर. लेकिन वहां पर भी जब वो गया तो उसको लीव्स के, पत्तों के एक बॉल दिख रहा था, तो उसको देख के वो थोड़ा घबरा गया कि अरे पेड़ पे ऐसा क्या है. आई वॉन्डर वॉट दैट इज. वो सोचने लगा, अरे ये क्या चीज है, पत्तों का बॉल बना हुआ है. आंट्स, बिग रेड आंट्स, हंड्रेड ऑफ देम. तभी वो ध्यान से जब उसको देखा तो क्या दिखा, बहुत, जो रेड वाली, बिग वाली रेड एंट होती है ना, वो बहुत सारी थी, लगभग 100 से भी ज्यादा थी. उनको देखकर वो बोला, डोंट ब्रेक द ब्रांच, वी बेग यू, इट सपोर्ट आवर होम. इस ब्रांच को भी जब वो तोड़ने लगा तो आंट्स लोग जो थी वो बोली, प्लीज तुम इस ब्रांच को मत तोड़ो, ये जो ब्रांच है ये हमारे घर को सपोर्ट करता है. ऑल राइट, आई विल लीव यू इन पीस. और अर्जुन क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग शांति से रहो, मैं तुम्हारे घर को नहीं तोड़ूंगा, मैं किसी ब्रांच को तुम्हारे घर से अलग नहीं करूंगा. We will never forget the kindness you have shown us. तभी चीटियां क्या बोली कि हम लोग कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलेंगे, तुमने जो काइंडनेस दिखाया है हमारे घर के प्रति, हमारे प्रति, हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे. और जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, वी विल हेल्प यू. अर्जुन सूदेड द मॉस्किटो बाइट्स विथ कोल्ड वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम एंड देन वेंट फर्दर इन टू द फॉरेस्ट टू फाइंड सॉलिट्यूड. अब अर्जुन को जो मच्छरों ने काटा था, उनके हाथ पैर में बहुत बड़े बड़े मच्छरों ने काट लिया था, तो जिसके वजह से उन्हें बहुत जलन हो रही थी. जब वो जंगल में आगे बढ़े तो उन्हें एक छोटा सा स्ट्रीम दिखा, झरना टाइप का दिखा. तो उसने क्या किया, झरने के ठंडे ठंडे पानी से अपने पूरे हाथ पैर को धोया और मच्छरों का जो काटा हुआ घाव था इससे उनको थोड़ा उसमें रिलीफ मिला, जो जलन थी वो थोड़ी कम हुई. Many years passed. Kaurav came in power. They sent Arjun and his brother to live in exile. और इस तरह से बहुत सारा साल बीत गया. जब बहुत सारा साल बीत गया तो पावर में जो थे वो कौरव आ गए. कौरव और पांडवों में झगड़ा हुआ और कुछ इस तरह से हुआ कि राजा जो थे वो कौरव बन गए. जब कौरव राजा बन गए, 100 भाई राजा बन गए, तो उन्होंने क्या किया, पांडवों को जंगल भेज दिया कि तुम लोग जाओ, तुम लोगों को अब यहाँ पे साम्राज्य में हम लोग नहीं रहने देंगे, तुम लोगों को अब जाकर जंगल में रहना पड़ेगा. If we are recognized, our periods of exile will increase, so take care, brothers. और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला, तुम्हारी को सजा दी जाती है कि तुम जंगल में रहोगे, और अगर जंगल में तुम्हें कोई पहचान गया कि तुम पांडव हो तो तुम्हारे जो है वो जंगल में रहने वाला पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा, है ना.
तो मतलब तुम्हें बिल्कुल अनजान बनकर रहना है, तुम्हें जंगल में कोई पहचान ना पाए। यहां तक सबको समझ में आया? अच्छे से बताइए। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। वन डे अर्जुन फाउंड हिमसेल्फ अलोन इन अ डेंस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हंग्री ही वाज लुकिंग फॉर फ्रूट्स। एक दिन की बात है, अर्जुन फॉरेस्ट में बस ऐसे ही घूम रहे थे और घने जंगल में बस घूम रहे थे और उनको भूख लगी थी, तो वो कुछ फ्रूट्स देख रहे थे कि कहीं अगर पेड़ वगैरह पे कोई फ्रूट्स मिल जाए तो मैं खा लूं। व्हेन सडनली वॉइस आई मस्ट हिडर हाइड, तभी अचानक से उनको कुछ बोलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि जल्दी करते हैं, मैं छिप जाता हूँ, अगर नहीं छुपूंगा तो मुझे कोई पहचान लेगा तो हमारा सजा का जो पीरियड है वो और बढ़ जाएगा। ही लुक्ड अराउंड फॉर द हाइडिंग प्लेस बट कुड नॉट फाइंड एनी। जस्ट देन हु ट्वीट ट्वीट, इट वॉज द बर्ड हुज नेस्ट ही हैड स्पेयर्ड, आई थिंक इट वॉन्ट मी टू फॉलो। चारों तरफ इधर उधर वो देखने लगे, कहीं छुपने का जगह नहीं था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उस चिड़िया वो चिड़िया उनको दिखी जो चिड़िया की उन्होंने मदद की थी, जिनका घर उसने नहीं तोड़ा था, और वो ट्वीट ट्वीट करके इनको कुछ बोलना चाह रही थी। तो अर्जुन को लगा कि शायद ये मेरी कुछ हेल्प करना चाहती है, ये शायद बोल रही है कि मेरा पीछा करो, और वो उड़ के जाने लगी और अर्जुन उसके पीछे पीछे चलने लगे। द बर्ड लेड अर्जुन टू हॉलो ऑफ अ ट्री एंड ही क्विकली गेट इन टू इट, और चिड़िया उनको कहाँ ले गई, एक ऐसे ट्री के पास ले गई जहाँ जो एक हॉलो ट्री था जिसमें बहुत बड़ा एक छेद था, और अर्जुन को बोले कि तुम इसमें जाकर के छिप जाओ। देखो आप लोगों को पेज नंबर 28 में एक पेड़ दिख रहा है ना, जिसमें अर्जुन अंदर गए हुए हैं, पेड़ के अंदर घुसे हुए हैं। Yes, ma'am. यस, तो इसी जगह पे अर्जुन को वो बर्ड ने छिपा दिया। नो सूनर हैड ही डन सो अ मल्टीट्यूड ऑफ रेड एंट्स अपीयर्ड, दे स्प्रेड देमसेल्फ ओवर द माउथ ऑफ द हॉलो, और जैसे ही अर्जुन उसमें घुसे बहुत सारी रेड चींटियां लगातार लाइन से आ गई, और वो जो उस पेड़ का जो छेद था जिस हॉलो के अंदर अर्जुन घुसे थे उसके मुंह पर पूरी चींटियों ने छाप लिया उसे, और वो उसे उसके मुंह को ढक दिया। The voice Arjun had heard where those of soldiers they were looking for him. और उसके बाद जो वॉइस उन्हें सुनाई दी थी अर्जुन को, वो राजा के द्वारा भेजे गए सिपाही थे जो अर्जुन को ही खोजने आए थे। इस तरह से I thought I saw somebody here. Are you sure? He could not have disappeared into thin air. और उसमें से एक सिपाही क्या बोलता है दूसरे सिपाही को, मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे किसी को अभी देखा है। तो दूसरा सिपाही क्या बोलता है, तुम पक्का तुमने किसी को देखा है, इसलिए क्योंकि अगर कोई होगा तो वो हवा में तो गायब नहीं हो जाएगा। This tree looks hollow. Could he be hidden in it? Are you crazy? Look at the ants swarming over it. तभी एक सिपाही क्या बोलता है, ये ट्री मुझे देखने से हॉलो लग रहा है, हो सकता है वो आदमी इसके अंदर जाके छिप गया होगा। तभी दूसरा सिपाही क्या बोलता है, पागल हो तुम, देख रहे हो उस पेड़ पे कितनी चींटियां हैं, चीटियां चीटियों का वो घर है, उधर जाओ भी मत। आउच दे आर बाइटिंग मी, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। और तभी दूसरा सिपाही क्या बोलता है, चलो चलो जल्दी यहाँ से भागो, ये चीटियां मुझे काट रही हैं, जल्दी यहाँ से भागो। एज इफ दैट वाज नॉट एनफ, थ्री बर्ड्स अटैक द सोल्जर्स, दे वेयर द थ्री नेस्टलिंग हुज नेस्ट अर्जुन हैड स्पेयर्ड। अभी जैसे ही चीटियों से बच करके वो दो सिपाही भागना शुरू किए, तीन बर्ड ने आकर के दोनों सिपाहियों पे अटैक कर दिया और उन्हें अपने चोंच से मारने लगी, उन्हें अपने चोंच से उन पर वॉर करने लगी। तो ये वही तीनों बर्ड थे जो उस बर्ड के तीनों बच्चे थे जिसके नेस्ट को अर्जुन ने छोड़ दिया था। द सोल्डर फ्लेड इन पैनिक, हड़बड़ा के जो सोल्जर्स थे वो वहां से भाग गए। एंड देन ट्विट ट्विट, इट वाज ऑल क्लियर सिग्नल, द सोल्जर्स हैड गॉन। और फिर चिड़िया जो थी वो ट्विट ट्विट करके अर्जुन को बाहर बुलाई, चलो अब बाहर आ जाओ, जो सोल्जर्स थे वो यहाँ से चले गए, अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am.
यस मैम, यस मैम, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं। Now the ant moved away from the opening of the hollow, allowing the great warrior to come out. और फिर ant लोग भी जो थी, जो hollow tree पे उनका पूरा मुंह को ढक दी थी, उस वहां से हट गई और फिर अर्जुन को बाहर आने दी। He thanked the bird and the ant. You are small, but you are no less than the greatest of my friends. I am entirely in your debt. And grateful Arjun continued on his way. और जैसे ही अर्जुन उस पेड़ से बाहर निकले, उन्होंने बर्ड्स को और एंट्स को थैंक यू बोला और क्या बोला, तुम भले ही बहुत छोटे हो, एंट्स भी छोटी होती है, चींटियां तो उससे भी छोटी होती हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि तुम भले ही बहुत छोटे हो, लेकिन आज से, बल्कि अभी से तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हुए, इस फॉरेस्ट के बेस्ट फ्रेंड हुए तुम लोग मेरे। और इतना बोलकर थैंक यू बोला और बोला कि मैं हमेशा आपका मतलब आभारी रहूंगा कि आप लोगों ने मुझे ऐसे मुसीबत से बचाया। और फिर इतना बोलकर अर्जुन फॉरेस्ट के जर्नी को अपना आगे कंटिन्यू करने लगे। तो स्टोरी सबको अच्छे से समझ में आ गई? मैम, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? ओह मैम, ओके ओके। तो अब आप लोग पेज नंबर 30 निकालेंगे, हम लोग टेप स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, आज ही हम लोग टेप स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, अमेजिंग एनिमल एंड बर्ड्स, इसी टेप स्क्रिप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग पेज नंबर निकाल लीजिए, पेज नंबर 30, अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। चलिए, अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। There are several amazing animals and birds around us. देखिए, जब भी हम अपने इर्द गिर्द अगल बगल देखते हैं तो हम लोगों को बहुत तरह के एनिमल्स और बर्ड्स दिखते हैं। हर दिन आप अलग अलग तरह के एनिमल्स बर्ड्स को देखते होंगे अपने अगल बगल, देखते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. चलिए तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। Let us have a look at some of them. उसी उन्हीं उन्हीं में से कुछ के बारे में आज हम लोग कुछ देखेंगे और पढ़ेंगे। Bats are flying mammals. Bats, चमगादड़ आप लोग देखे होंगे। चमगादड़ जो है वो एक तरह का flying mammals होता है। Mammals वो जानवर होता है या फिर वो होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। जैसे ह्यूमन भी एक मैमल्स में काउंट होता है, वेल मैमल्स होती है, तो उसी तरह से बैट चमगादड़ भी जो होता है वो मैमल्स होता है, वो अपने बच्चे को फीड कराता है, दूध पिलाता है ना। दे स्लीप ड्यूरिंग द डे बट एट नाइट दे फीड। वो क्या करते हैं, दिन में सोते हैं और रात में वो खाना खोजते हैं, खाना तलाश करते हैं और खाना खाते हैं। What is more, they sleep hanging upside down. और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि ये पेड़ पे उल्टा लटक के सोते हैं। हम लोग बेड पे लेट कर सोते हैं, लेकिन बैट चमगादड़ जो होते हैं वो हमेशा पेड़ पर उल्टा लटक के सोते हैं। समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Owls like bats sleep during the day and hunt for food at night. With their large eyes, they can see extremely well at night. बिल्कुल बैट्स की तरह ही आउल्स भी होते हैं, उल्लू भी बिल्कुल बैट्स की तरह ही होते हैं। दिन में जागते हैं और रात में अपने खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं और रात को अपना खाना खाते हैं। आउल्स की आंखें जो होती हैं, आईज जो होते हैं, वो बहुत लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, इसलिए वो रात में बहुत आसानी से किसी भी चीजों को देख सकते हैं। द मदर कंगारू कैरीज इट्स बेबी कॉल्ड जॉय इन द पाउच एंड फीड इट्स इट विथ मिल्क। जो कंगारू आपने देखा होगा, बुक में भी देखा होगा या फिर जू भी कोई गए होंगे तो देखे होंगे, कंगारू के पेट में एक पाउच होता है, उसमें वो अपने बच्चे को लेकर के घूमता है। उस बच्चे को, कंगारू के बच्चे को हम लोग जॉय बोलते हैं।
और वो पाउच में लेकर के अपने बच्चे को घूमता है और उसे दूध पिलाता है। द रॉक गोबी इज द स्मॉलेस्ट फिश, इट इज नो लॉन्गर देन योर टेल बट वन सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मछली होती है जिसका नाम होता है ड्रॉप गोबी, वो सबसे स्मॉलेस्ट फिश होती है, आपके ना उंगलियों के नाखून के बराबर मीटर होता है, ये दुनिया की सबसे छोटी फिश होती है, उसका नाम होता है ड्रॉप गोबी। द व्हेल शार्क ऑन द अदर हैंड इज द बिगेस्ट फिश, और अगर हम बिगेस्ट फिश की बात करें तो सबसे बड़ी फिश जो होती है वो व्हेल शार्क होती है। इट इज अ लिटिल लॉन्गर देन अ रेलवे गुड कैरेज। आपको पता होना चाहिए कि इंजन का जो डब्बा होता है, ट्रेन का जो डब्बा होता है, उससे भी लंबी होती है व्हेल मछली। अ बर्ड कॉल्ड द वॉटर डिक कॉक ईट इंसेक्ट दैट डिस्टर्ब क्रोकोडाइल्स। एक बर्ड होती है, वो एक तरह का कीड़ा खाती है जिसका नाम है डिक कॉक। एक बर्ड है उसका नाम है वो एक तरह का वाटर इंसेक्ट्स को खाती है, डिक कॉक वाटर इंसेक्ट्स को, जो कि क्रोकोडाइल को डिस्टर्ब करता है। द बर्ड गेट्स एन इजी मील एंड द क्रोकोडाइल बिकम्स मोर कंफर्टेबल। इससे क्या होता है, वो पानी के आसपास रहती है और जैसे ही देखती है कि वो इंसेक्ट आ रहा है क्रोकोडाइल को डिस्टर्ब करने के लिए, वो बर्ड उड़ करके जाती है और फट से इंसेक्ट को खा लेती है, जिससे क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो होता है वो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। मे बी दिस इज वाई क्रोकोडाइल डू नॉट हार्म देम, और इसीलिए क्रोकोडाइल जो होता है उस बर्ड्स को नहीं खाता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि क्रोकोडाइल की ही तो वो हेल्प करती है इंसेक्ट खाके। यहाँ तक आपको समझ में आया स्टोरी? स्टोरी सबको अच्छे से समझ में आया, जिसको आवाज आ रही है? यस मैम। मैम मैंने ड्रॉप गोभी देखी है। अच्छा ठीक है बेटा, वेरी गुड। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है वेरी गुड, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आज आपका होमवर्क रहेगा डॉल्फिन चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर को लर्न करना है आप लोगों को। योर टुडेज होमवर्क इज लर्न ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ डॉल्फिन चैप्टर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगेन वी विल मीट टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम। बाय मैम। बाय।